अप्रैल 2022 को हमने मुल्क की जिम्मेदारी संभाली थी, अगस्त 2023 को ये जिम्मेदारी निजान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में बारूदी तिरंगे बिछाए गए जिसे साफ किया गया। 7 साल का मशहूर अरसा ना उम्मीदी से उम्मीद की सफर था, मौसी तबाही से मौसी इस्तेकाम की तरफ लौटाने का सफर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान 5 बिजली घर का संग बुनियाद रखेंगे। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1200 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने मुल्तान का दौरा किया था और इस मौके पर मिनिस्टर टू अस्पताल का दौरा किया और तमीराती कामों का भी जायजा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 90 मिलियन पाउंड स्कैंडल में कौमी एहतसाब ब्यूरो में जवाब जमा करवा दिया। जराए के मुताबिक नैब ने जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के बाद नैब के सामने पेश नहीं हो सकते। चेयरमैन पीटीआई के जवाब में नैब की तलब करता दस्तावेजात गैर मुतल्लिका और बदनीयती पर मबनी करार दी गई। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल जारी रहा तो पाकिस्तान 2033 में 1 ट्रिलियन की मौसी ताकत होगा। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल का कन्वेंशन हुक की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की असल ताकत नौजवान है। हुकूमत संभाल को गुस्से में मसाइल मिले, अल्लाह ताला की फजल से हम मसाइल से निकल आए हैं। 81 जमात पाकिस्तान को तबाह करने पर मिली हुई है। मुल्क में मूनसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। कसूर में दरिया सतलुज से मुंसलिक 15 देहात जेरे आब आ गए। बहावलपुर के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ। गंडा सिंह वाला और हेड सलमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर और उकाड़ा के मुताबिक देहात की जेरे आब। और महकमा मौसमियात की जनूबी पंजाब बलोचिस्तान और केपीके में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आजाद कश्मीर में भी बाद मकाम पर बारिश का इम्कान, जबकि इस्लामाबाद में आंधी के हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बारकान मुसफेल पहलू लोराई सूब कलाक और पंजगोर में भी बारिश, जबकि इन अनफजदार में आंधी के हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।